रेलवे साइडिंग में लोडिंग अनलोडिंग को लेकर अब राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। इस लड़ाई में अब बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और रामगढ़ विधायक ममता देवी की एंट्री हो गई है। विधायकों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन अपनी देखरेख में किस्कू कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही है। बता दें कि किस्कू कंस्ट्रक्शन के पास ही जो अनलोडिंग का जिम्मा है। प्रशासन यहीं पे डेरा डाले हुए हैं। हमें ये लोग दो दो बार हमारे पास आके बोले हैं कि पुलिस प्रशासन खुद मुंशी बने हुए हैं। तो क्या आप लोग बताइए कि आप लोग का कार्य क्या है? हम लोग विनती क्यों करेंगे? ममता दीदी आप बोलते हैं विनती, हम लोग आप सरकारी बोला जाता है कि आप लोग सरकारी नौकर हैं, आप लोगों को यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर देखना है। ये नहीं देखना है कि कौन कंपनी का काम चल रहा है, कौन कंपनी का काम चलना चाहिए, कौन कंपनी का काम नहीं चलना चाहिए। ये तो पुलिस प्रशासन का काम नहीं है। ये सब काम है क्या बड़ा बाबू? आपका काम है कि कहाँ लॉ एंड ऑर्डर इशू है। अगर कोई किसी से झगड़ा किया, अगर कोई कहीं चोरी किया, कोई गलत काम किया, आपको बस वहीं जाके देखना है। आपका काम ये बिल्कुल नहीं है कि किसका साइडिंग चलवाना है, किसका नहीं चलवाना है। कोई आदमी घाटों से आकर मेरे ऊपर लाठीचार्ज करेगा बड़का काना में? क्या यहाँ उसका घर है? अगर उसको चलाना है तो काम करना है तो घाटों में काम करे। हम लोग अपने यहाँ काम करने नहीं देंगे। अगर काम करना है तो यहाँ के विस्थापितों को लेके चलना होगा, इनकी सहमति से उनको काम करना होगा अगर यहाँ पे काम करना है तो, और नहीं तो जाकर के अपना घाटों में जिस तरह से काम चलाते हैं अपना काम चलाते रहे। हम किसी किसको कंस्ट्रक्शन को नहीं जानते।